हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वनडे एंड द एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको काफी अच्छी न्यूज देने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, यूपी टेट और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज कोर्ट का क्या डिसीजन रहा इलाहाबाद और लखनऊ बेंच का। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना की हो तो, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किए शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग न्यूज बताते हैं आपको आज का न्यूज क्या है। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए जानते हैं कि काफी अरसे से लड़ाई लड़ते लड़ते आज यूपी टेट वालों के लिए काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी टेट 2018 की जो आज डबल बेंच सुनवाई होनी थी उसके लिए, और सहायक अध्यापक के में कुछ शिक्षा मित्रों के लिए था, उसमें जो है डबल बेंच ने क्या आदेश दिया है। ठीक है, इसमें जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये न्यूज निकल के आ रही है, जैसा कि मैं कई लोगों से अभी सुना हूँ और कई लोगों ने मुझे बताया है कि सर ये जो है स्टे मिल गया है, यानी कि आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि यूपी टेट 2018 के संदर्भ में सहायक अध्यापक जो 6 जनों परीक्षा हो रही थी उस पर स्टे मिल गया है, वो भी अनिश्चित काल के लिए दिया गया है। अभी हम आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो इसका ऑर्डर है अभी अपलोड नहीं हुआ, ऑर्डर जो है 9 बजे रात तक अपलोड होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर कापी इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ ऑर्डर कापी भी मेरे इस चैनल पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर में क्या है, लेकिन 95% से ज़्यादा चांस है कि ये जो स्टे लग चुका है, बस ऑर्डर आने की देरी है। ऑर्डर 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा, और ये समझ लीजिए कि आपका स्टे लग चुका है। ठीक है, और क्योंकि एक बात और मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने लखनऊ बेंच में अपील किया था, शिक्षा मित्रों ने, ठीक है, जिसमें से शिक्षा मित्रों में से ये बोला गया था कि आप लोगों को इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, किसमें, मैंने आपको पहले न्यूज बताया था कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुछ शिक्षा मित्र जो है वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो उनको शामिल करने के लिए लखनऊ बेंच ने भी आदेश दिया। क्या दिया है आदेश, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, पहला जो है आप सभी का कि टेट वालों में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच द्वारा कि टेट का जब तक कि मामला सॉल्व नहीं हो जाता, एकदम सुलझा नहीं लिया जाता है, तब तक इस परीक्षा को रोक लगाया जाए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पे रोक लगाया जाए, ये आदेश आया है इलाहाबाद बेंच द्वारा। और दूसरा जो आया है टेट 2017 से संबंधित है, इसमें 314 याचिकों के में डालने के बाद से उसमें से लखनऊ बेंच ने कहा है कि उसमें करीबन 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें पास हो रहे थे यूपी टेट 2017, तो उसको ये कहा गया है कि जो सभी अभ्यर्थी हैं 1000 से अधिक उनको भी इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। तो अब पीएनपी के सामने ये मुसीबत है कि 1000 से अधिक जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी इनको शामिल करना है, और एक दिन के समय दिया गया, एक दिन में वो शामिल नहीं कर पाएंगे, सेंटर अलॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए परीक्षा वैसे भी अब आगे बढ़ने वाली थी। और जो डबल बेंच का फैसला था इलाहाबाद का, उसमें ये बोल दिया गया है कि टेट जो है जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, इसका निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक आप सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक लगाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे ही आप ये ऑर्डर अपलोड होगा मैं आपको बताऊँगा।